गुजरे जहाँ से अपनी झांसी, जैसे कोई तूफान, जैसे कोई आंधी। मंत्री महोदय, हम फंस गए मंत्री महोदय। अरे तुम जाओ, तरह फंस गए हम। ई का मैनेजर, तुम पागल कुत्ते की जरा हाँफ रहे, आखिर बात क्या, हमका भी तो बताओ। कमिश्नर जासी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अरे कमिश्नर जासी ने मिलन को भाषने की कोशिश की, कुछ हुआ क्या? लेकिन वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा साहब। मुझे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी क्यों? ये घर में हम और हमारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता है। हम बहुत बड़ा मंत्री हूँ। यू आर जस्ट इंसल्टिंग द होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे इस गांधीवादी की तोहिन, ई का धांधली है। हम एक ऐसा गांधीवादी हूँ और सब तो गांधी जी को याद ही नहीं करते हैं, और हम एक ऐसा मंत्री हूँ जो आज भी खादी पहनता हूँ। वो तो ठीक है सर, हमें सूचना मिली है कि कुछ उग्रवादी आपके घर में बम रख कर आपको मारने की कोशिश में है। क्या बोली? तैयार है उग्रवादी। रुक जा बे, कौन हो तुम इडियट? मिनिस्टर, ये रहा बॉम्ब और ये रहा उग्रवादी। ऐसे क्या देख रहे हैं? चल चल बे, चल। ये क्या, ये आपका रिश्तेदार है? नहीं जानता पत्नी का कसम। मैं खुशी बैंक का चेयरमैन हूँ। तो तू बैंक का चेयरमैन है? कांस्टेबल कम आओ। जी मैडम। हिरासत में ले लो इस कमीने को। मुझे थप्पड़ मारा? अगर ज्यादा जुबान चलाई तो ये जूता बोलेगा। तू पटना के कोठे से गिरफ्तार हुआ, पर कहता है कि आंदोलन में रेस्ट हुआ। जानते हो गांधी जी ने बड़ी मुश्किलें झेलकर हम भारतवासियों को आजादी दिलाई, लेकिन तेरे जैसे क्रिमिनल की वजह से देश की आजादी खतरे में पड़ गई है। आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम एक बात नहीं भूलना, हम कलयुग का महात्मा। शट अप। तू जैसे बर्ड फ्लू वायरस को मैं हमेशा के लिए मिटा के रहूंगी। तुम मिटाओगी? मैं मिटाऊंगी। झांसी आईपीएस, मैं तुझे गिरफ्तार करके काल कोठरी में फेंक दूंगी। बी केयरफुल। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं जो भी कर रहा हूँ वो जनता की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। बकवास बंद कर, कितने पैसे चाहिए बोल। ए, तुम लोग किससे बात करो जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन से। बस इतना नहीं, पैसे मांग के मेरा बात भी मान सकते, तो भी करे मन हो जाए। ए, मुझे धमकाना नहीं, अगर धमकाने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, याद रखना। ए, मुझे अपने भाई की काबिलियत मालूम है, एक चुटकी बजाने से सारे गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएंगे। ये ईबी है क्या? हमारे कहे रास्ते पर चलो वरना तुम्हारा करंट हम कट कर देंगे। चलो। ये क्या हो गया, कहीं चोट तो नहीं आई? देख के चलना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ हो जाता तो? इसलिए कहती हूँ गाड़ी धीरे चलाए करो। सुनो मिस, गाड़ी चलाते वक्त तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ओह आई एम सॉरी। ओह मानती हूँ मेरी गलती है, पर आप पुलिस में कंप्लेन मत कीजिएगा, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। तुम्हारे सामने इस वक्त पुलिस ऑफिसर खड़ी है, झांसी आईपीएस। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम कीर्ति है। मैं बेसिकली डांसर हूँ, पर कभी कभी मॉडलिंग भी कर लेती हूँ। मुझे नंबर वन डांसर बनना है और कुछ नहीं। हाँ लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आप कला क्षेत्र में नृत्य करती हैं ना? जी हाँ। झांसी, ये बहुत बड़ी नर्तकी है। बाय द वे, आई एम चेतन। आइए। हाय। तुम एक अच्छी पुलिस ऑफिसर ही नहीं, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ हो। लेकिन ना तो मैं अच्छा ऑफिसर हूँ, ना ही अच्छा पति और ना ही अच्छा बाप, इसलिए आज मेरे नाम पर। तुमने अर्चना कराई क्या? नहीं, 50 लाख का इंश्योरेंस कराया। क्यों जी, मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं, सच है। कुछ सोचे समझे बगैर आपने इंश्योरेंस करा लिया? हम इतने पैसों का प्रीमियम कैसे भरेंगे? ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर किसी हादसे में मेरी मौत हो जाए
तो उस समय तुम और मेरा बेटा अनाथ ना हो जाए इसलिए। हेलो, अच्छा कब? ठीक है मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे विजिलेंस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली, मुझे जाना होगा, बाय। मेरा विजिलेंस ऑफिसर और खुदकुशी? कैसे हुआ? इसने पटरी पर सर दे दिया, सुसाइड का केस है। किसने बोला? लोगों ने। तुम क्या सोचते हो? मैं भी वही सोचता हूँ। कल से यहाँ पर रेल रोक आंदोलन चल रहा है, तो कोई गाड़ी भी नहीं चल रही होगी, ठीक कह रही हूँ? जी हाँ मैडम। जब गाड़ी नहीं चल रही तो खुदकुशी? ठीक कहा मैडम। तो तुमने कैसे सोच लिया कि ये खुदकुशी है? लाठी का इस्तेमाल कम करके दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी हाँ। रुक जाओ मैडम, व्हाट इज दिस? ये ऑपरेशन थिएटर है, अंदर आना मना है। चुप, ए चलो। मैडम अंदर घुसने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है। क्यों बे, तुझे हार्ट प्रॉब्लम है? किडनी प्रॉब्लम है तुझे? नर्वस प्रॉब्लम है? ले तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दी और बाकी की प्रॉब्लम मैं पुलिस स्टेशन जाके ठीक करती हूँ, चल। विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी की हत्या प्रयागराज ने ही की है। ये झूठ बोल रहा है। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। योनो विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी की हत्या इसी ने की है और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस ड्राइवर की गवाही से पता चलता है कि विजिलेंस ऑफिसर की पत्नी की हत्या प्रयागराज ने ही की है, इसलिए सेक्शन 302 के तहत इस हत्यारे को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इस्तीफा देने की एक वजह। आखिर वजह क्या है, कहो। मैं मुजरिमों के बीच काम नहीं कर सकता। क्यों जी? अगर शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए तो उसे काटते नहीं हैं, इलाज करते हैं, है ना? ये सब किताबों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली नहीं। ये इस देश में दीमक की तरह है और वही दीमक मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तुम्हें तो आईएएस अफसर बनने की क्या जरूरत थी? पागल हो गया था। झांसी ठीक कहती है। पिताजी आप बीच मत बोलिए। मैं वाला क्यों ना बोलूं बीच में? अरे झांसी के परिवार वालों ने तेरे बारे में मुझसे शिकायत की, फिर भी तुम दोनों की शादी मैंने कराई थी। देखिए पिताजी, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, आप नहीं समझेंगे, आप जाइए। क्यों जी, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। सुनो, मेरे काम से इस्तीफा देना अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो पति से भी इस्तीफा दे सकता हूँ। झांसी आ रही हूँ। आज हम घूमने जा रहे हैं। कार से? बोट से। बोट से? पर तुम्हें पानी से डर लगता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी खातिर। ठीक है चलते हैं, लेकिन विजू का क्या होगा? दीदी आप दोनों के बीच विजू क्यों? मैं उसका ख्याल रखूंगी, आप जाइए। तुम ख्याल रखोगी? एक दिन अपने नन्हे दोस्त के साथ रहने दीजिए प्लीज दीदी। आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, तुम भी इसका ख्याल रखना। झांसी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारा नजरिया है। आपको ही बताना है। हम तो समुद्र की सैर करने निकले थे, इनके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती। कंट्रोल योरसेल्फ मैडम, कंट्रोल। इन्हें यहाँ से ले जाइए सर। मैडम आपने अपने पति राजशेखर का खून किया है। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, और सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। उसी के बलबूते पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है।
नो। देखिए मैडम, पुलिस को अपनी ड्यूटी निभाने दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको बाहर लाने का जिम्मा मेरा है। सॉरी मैडम। मेरा पहला सवाल, मौका है वारदात पर आप हाजिर थे क्या? जी हाँ। खून होने के बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली? जी नहीं। आपको वहाँ कोई सुराग मिला? पेट्रोलिंग के दौरान मुझे कुछ शक हुआ और मैं तुरंत बोर्ड के करीब गया। जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो देखा मैडम के कपड़े पर खून के छींटे थे और उनके हाथ में चाकू। उस वक्त क्या हाथ में उनके चाकू था? जी हाँ। और उनके कपड़ों पर क्या खून के धब्बे थे? सर सिर्फ कपड़े और बदन पर ही नहीं, पूरे बोर्ड पर ही खून था। बोर्ड से बरामद टेप रिकॉर्डर और चाकू और डेड बॉडी के पास मिली कान की बूटी, इन सब को हमने कोर्ट को सौंप दी है। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हेल्प मी, हेल्प मी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आप क्या कहती है मिसेस राजशेखर? अपने मरहूम पति की आवाज सुनकर आपके होश उड़ गए हैं क्या? आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते मिसेस राजशेखर। I object your honor. सब जानते कि यह राजशेखर की आवाज है, लेकिन राजशेखर ने इस टेप में यह जिक्र नहीं किया कि कोई इसे चाकू से मारा या कोई पिस्तौल से शूट कर रहा है। बिना सबूत के हम किसी को गुनाहगार ठहरा नहीं सकते। सारे सबूत और गवाह मुलजिमा मिसेस राजशेखर के खिलाफ है, इसका अंदाजा शायद आपको अब तक लग चुका होगा। योर ऑनर, इन्होंने चंद कागज के टुकड़ों के लालच में आकर अपने पति का खून किया है। इन्होंने जो जुर्म किए हैं वो बहुत शर्मनाक है और साबित हो चुके हैं, इसीलिए अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सारे सबूत और गवाहों के बयान से ये साबित हो गया है कि मिसेस राजशेखर ने अपने पति का खून किया है, इसलिए अदालत आईपीसी 302 के तहत इन्हें मुजरिम करार देते हुए 13 साल की कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। भगवान मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी मर्जी से ही आज तुम मुझे मिल गई हो। ये सब मेरे बेटे को मत बताना, उसका ख्याल रखना। वकील साहब, मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए हैं, उन्हें कीर्ति के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, और जो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे उन्हें विजू के नाम से फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिएगा। विजू को हर हफ्ते मुझसे मिलवाने जरूर लाना कीर्ति। मैंने अपने पति का खून नहीं किया, इसे कोर्ट ने नहीं माना, ना ही मेरे डिपार्टमेंट ने, और आपने भी मेरा विश्वास नहीं किया। वो बाहर जिंदा घूम रहा सर। क्या कहा? हाँ सर, मेरा पति राजशेखर जिंदा है। मतलब वो पुलिस वाले बेवकूफ है जिन्होंने मृत घोषित किया, या फिर वो जज पागल है जिन्होंने आपको सजा सुनाई? सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये सब मेरे पति की साजिश थी। एक मिनट, आप खुद सुनिए। The number you dialed is not in use. ये क्या बकवास है? तुम ही सुनो, सुनो इसे, सुनो। देखिए, आप एक पुलिस अफसर हैं, इसलिए मैं इज्जत से पेश आ रहा हूँ। आगे से ऐसी हरकत की तो सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। माइंड इट। क्या बोली थी तुमने? तो दावा किया था कि हम सबको हमेशा के लिए जेल के अंदर चक्की पिसवाओगी, खुद चक्की पीस रही हो, का इसी जेल यात्रा? जब शेर पिंजरे में रहता तो तेरे जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्ता कहा तूने? कुत्ता नहीं, गली का कुत्ता। ए, तूने मुझे मेरे भाई से जुदा करवा दिया, बदले में मैंने तुझे तेरे बेटे से जुदा करवा के जेल भेजवा दिया। कानून के हाथ से तुम बच सकते हो, लेकिन इस झांसी के हाथ से नहीं। मतलब जेल तोड़ क्या क्या मैं मारोगी तुम? तुम सबको ऊपर भेजने के लिए मुझे जेल से भागने की जरूरत नहीं, अभी इसी वक्त मार सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। पुराना हिसाब किताब तो मुझे चुकता करना है, तुम लोग खुद अपनी मौत मरोगे। आई बात समझ में? हमको मारने वाली हो? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? काफी वक्त है मरने के लिए, चले जाओ। हे, जेल में भी हगड़ी दिखा रही है। बंद कर। आइंदा इस जेल की तरफ आया तो उसी वक्त मार दूंगी मैं। चलो बाबू, कम ऑन, आ जाओ ना।
मैं बहुत टेंशन में हूं। हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है, डेफिनेटली यहां आएगी। नहीं आएगी, वो जेल में है, जेल में ही दम तोड़ देगी। झांसी को कम मत समझना, वो कुछ भी करके बाहर आ जाएगी। तुम शायद नहीं जानती हो, वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसका बस चला तो वो हमें जान से भी मार सकती है। हे, क्या हुआ? डैडी, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही है डैडी, मुझे मम्मी के पास जाना है डैडी, मुझे मम्मी चाहिए डैडी, मम्मी के पास ले जाओ ना डैडी, मम्मी चाहिए। चुप कर। वकील साहब, पेरोल की अर्जी दे दी। हाँ दीदी, चार दिन में सैंक्शन हो जाएगा। एक और बात, आपका पेरोल से बाहर आने का मकसद जेल से भागने का नहीं, ऐसे जेलर को लिखकर देना पड़ेगा। अगर मुझे भागना है तो पेरोल की अर्जी क्यों दूं? ये सब उनकी समझ से बाहर है, जब तक आप नहीं समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती है, एक पत्नी अपने पति के बगैर रह सकती है लेकिन एक माँ अपनी औलाद को देखे बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, एक मुजरिम की हैसियत से नहीं बल्कि एक माँ की ममता का वास्ता देते हुए कहती हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए, मुझे निराश मत करना प्लीज। ओके, तुम्हें पेरोल मिल जाएगा। 6 महीने तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। थैंक यू सर। तुम बहुत टफ हो, गुंडे और पॉलिटिशियन की हवा निकल जाती है तेरे नाम से, लेकिन पैसों के खातिर अपने पति का ही खून करोगे, ये मैं नहीं जानता था। पहले मेरा पेरोल ऑर्डर देखिए। पेरोल का ये मतलब नहीं कि तुम्हें पूरी आजादी दे दी है। सिटी लिमिट्स क्रॉस की तो तुम्हें क्लोज कर दूंगा, हर रोज शाम 5 बजे स्टेशन आकर साइन करोगी। मैं काफी स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी जान से प्यारी है। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो पेरोल को कैंसिल करके तुम्हें फिर से जेल भेजूंगा मैं। आई बात समझ में? जा सकती हो। कौन हो तुम? कीर्ति से मिलना चाहती हूँ। कीर्ति क्या लगती है तुम्हारी? सहेली। वो हमारी किराएदार थी, कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर के फटने से वो बुरी तरह से जल गई। तुम्हारा नाम? मैं झांसी। तो झांसी तुम ही हो? कीर्ति तुम्हारी राह देख रही थी, जिस पर उसने यकीन किया उसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की, उसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब वो अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रही है। कीर्ति, किस मुंह से मैं तुम्हें दीदी कहूंगी, वो हक भी मैंने खो दिया। मैंने तुम्हारे हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगा दी, आज मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। दीदी दीदी, अगर तुमने मुझे जीजा जी के साथ घुले मिले नहीं दिया होता दीदी, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और तुम्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। कीर्ति, उस दिन क्या हुआ था? चेतन ने क्या साजिश की थी? बाबूजी का कत्ल किसने किया? प्लीज बताओ कीर्ति। बताती हूँ। तुम पियो ना। मैं बाद में पीऊंगा, पहले तुम पियो। ओके। झांसी, झांसी। हेलो, पुलिस स्टेशन से, मैं झांसी का पागलनीला बोल रहा हूँ। क्या कहा? आईएसए एजेंट को ढूंढ लिया? वो बाहर गई है। नहीं, वो सेल लेके नहीं गई। ओके, मैं जाकर बता देता हूं। हो गया, कल झांसी अपने पति के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो जाएगी और पुलिस रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा कि मैं मर गया। अंधेरे के तुम्हारे कारनामे
अब रोशनी में आ गए, हैरान हो गए। कितने ही कुर्बानियों के बाद कमाई हुई आईएएस डिग्री तुमने देश के दुश्मनों के हाथ भेज दी। पैसों की खातिर तुमने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। मैं अभी जाकर झांसी को सब कुछ बता देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सबका अंदर करवा दूंगा। इन्हें मारकर मैंने कोई गलती नहीं की ना? अगर तुमने इसे मारने में जरा सी देर की होती तो शायद मैं मार देता। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और मुझे अपने जाल में फंसा लिया। जब मुझसे जी भर गया तो गैस लीक करके मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गई। जिस आदमी ने अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ साथ फेरे लिए थे उसने मुझे ही नहीं बख्शा, तो वो तुम्हें क्यों बख्शता? तुम उसके जाल में कैसे फंसी? कीर्ति, चेतन कहाँ है? सुनने में आया है कि वो एक लड़की को अपने जाल में फंसा कर विजू के साथ परसों ही गोवा गया है। भागने की कोशिश की तो गोली छुड़ा दूंगा मैं। hey, अगर मैं यहाँ से 9-2-11 हो गए तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादा होशियारी नहीं रे, कूल डाउन। खुद को तुम किरण बेदी समझती हो, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर, समझे? रोजाना 5 बजे तुम्हें स्टेशन आकर साइन करने के लिए कहा, अगर तुम आई नहीं आ सकती तो मुझे फोन कर सकती थी, मगर तुमने नहीं किया। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से टाइम पे स्टेशन नहीं आ पाई, उसके लिए इतना क्यों चल रहे हो? तमीज से पेश आओ। हेलो, सीनियर ऑफिसर हूँ तुम्हारी। There was once upon a time. कानून की नजर में तुम एक कैदी हो, समझ गई? मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। बोला ना, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी जान से भी प्यारी है मैडम। You are so beautiful. कुछ और लाऊं? अरे कुछ नहीं चाहिए यार, जाओ ना, जाओ। ओके। इतने दिनों तक बैचलर रहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। I'm very lucky. अच्छा? नहीं तो तुम जैसे खूबसूरत लड़की से शादी करने का मौका मुझे कहाँ से मिलता? अच्छा ये बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? पहले सुहागरात, उसके बाद। कौन हो जिसके साथ तुम आंख लड़ा रही हो? उसकी पत्नी यहाँ मेरे बेटे को लेने आई हूँ। नो नम्रता, तुम शादीशुदा हो, ऊपर से एक बच्चे के बाप। नम्रता मेरी बात तो सुनो। तुमने मुझसे कहा कि तुम कुंवारे हो, नम्रता मेरी बात तो सुनो। एक थप्पड़ से ये हाल है, बेगुनाह होते हुए भी गुनेगार की सजा काटी मैंने, मेरा क्या हाल हुआ होगा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा बेटा और मेरी पत्नी खुश रहे, इसके लिए मैंने ये सब किया, ड्रामा किया बस, पर मैं नहीं जानता था कि उसमें तुम फंस जाओगी। बताओ कीर्ति कहाँ गई? कीर्ति वो एक बीती कहानी है। इसलिए उसे खत्म कर दिया? मैंने उसे नहीं मारा, वो एक हादसा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा कहाँ है कहो? पहले मेरी बात सुनो। अपनी सफाई देना बंद करो, आज तक तुम कहते रहे और मैं सुनती रही, अब मैं कहूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। मेरा बेटा विजू
मुझे लौटा दो। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। हेलो, तुम्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं? मैं और डर जाऊं? तुम्हारी तरह पुलिस को देखकर भागने वाला मैं नहीं हूं। इसका फैसला वक्त ही करेगा चेतन। मुझे मेरा बेटा दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, कल सुबह 7 बजे सेंट जेवियर्स चाचा जाना। अरे वो झांसी, तुहार बेटा का जगह हमको देख के बहुत घबरा गए का? तुहार पति हमको भेजा यहाँ। अरे हम लोगों को अंदर करवाने की बात कर रही थी ना, और हम अंदर जाना चाहते हैं। क्या इरादा है? अच्छा, इसलिए आए हो? नहीं, तेरा काम तमाम करने आए हैं। कल सुबह गोवा के सड़कों पर तेरी लाश के टुकड़ों को कुत्ते नोचते रहेंगे। चलो पकड़ो इसे। ए कुत्तों, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे मार के देखो। का बबुआ, बंदूक हमारे हाथ में लेकर शूट करने को कहा थे, पागल हुई गई का? अरे बाहर से बंद कर दी। हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? मैं वास्को से बोल रही हूँ। एक गैंग है यहाँ जो बहुत दिनों से छुपी हुई है। मुझे शक है कि वो ISI के लोग हैं। पुलिस आ गई है, अब कोई खतरा नहीं है। सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट कमिंग आउट, वी आर ISI ग्रुप। झांसी क्या बोल रही है? सर सर सर, अंदर 4 उग्रवादी है, उनके पास हथियार भी है, ये रही चाबी। ऑन द काउंट ऑफ 3 गो अवे फ्रॉम हियर और आई विल प्रेस द बटन। 1, 2, 3 अगर आप बिहार में अंग्रेजी सीखे होते तो गोवा में कुत्तों की मौत नहीं मरते मेरे भाई। उनके साथ एक औरत भी है, उसे भी ढूंढ निकालो। आपने कहा आप झांसी को जानते नहीं, लेकिन इसे तो आप जानते होंगे। मिस्टर राजशेखर, IAS। नो, नहीं देखा। पहचाना नहीं, तो फिर इसे तो आप जानते होंगे। ओके, हर एक जुर्म के लिए एक रेट होगा, कितना चाहिए? समुद्र में जितने भी पैसे डालो, लेकिन समुद्र का पेट भरता नहीं है, तो तुम जानते होगे। तुम कितना दोगे बोलो? 10 लाख देता हूँ, मैटर क्लोज कर। जहाँ तक लोगों का सवाल है, उनके लिए मैं मर चुका हूँ। मैं रेडी हूँ यार, लेकिन तुम्हारी पत्नी को भनक लग गई तो मुझे भी तुम्हारे साथ जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस राजशेखर को इतना भी कम मत समझो, वो जिंदा बचेगी तभी हमें जेल भेज पाएगी ना। मरी हुई को जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना? तुझ जैसे नालायक पति को मारने के लिए मुझे पाताल को भी जीत कर दिखा रहा है। मेरा बेटा कहाँ है? बोल। ओह, तो ये बात है, तुम दोनों अपनी पुलिस की बुद्धि से मुझे ट्रैप करना चाहते थे। सुनो ISI, मेरा नाम राजशेखर है ही नहीं, मेरा नाम है रेमो जैक्सन। तुमसे जो बन सके कर लो। ये क्या, अभी तुमने कहा कि तुमने ही अपनी पत्नी को दफना दिया। मैंने कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा।
अभी अभी बोला ना। गवाह कौन है? कोई आधार है? कोई सबूत है क्या? अपने बेटे से मिलने के लिए वो कब्रिस्तान आई थी, वहीं मारकर उसे कॉफिन बॉक्स में डाल दिया और अभी तक हमारे आदमियों ने उसे दफना भी दिया होगा और अब वो नर्क में होगी। क्या कहा? खत्म हो गई। तू आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि आईएसआई, तू कोई भी हद पार कर सकता है। बोल, मेरा विचार है। टेल मी। सुनो, अगर तूने मुझे मारा तो फांसी की सजा मिलेगी, याद रखना ये बात। एक ही खून के लिए दो बार सजा नहीं मिलती चेतन। सॉरी रिमोज, मैं तेरे खून के इल्जाम में पहले ही सजा काट रही हूँ। अब अगर मैंने तुझे मार भी दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नो, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो। पिस्तौल नीचे कर, नहीं तो इसे मार दूंगा। वो तुम्हारा ही खून है। जो अपनी बीवी को मारने के लिए सोच सकता है उसके लिए बच्चे का सेंटीमेंट कहां से आएगा? गन नीचे कर, मैंने कहा गन नीचे डाल। स्टॉप दे, आगे आओगे तो गोली मार दूंगा। पिस्तौल नीचे फेंक दे। विजु, मैंने कहा पिस्तौल फेंक दो। नहीं माँ, मुझे डैडी की नहीं तुम्हारी जरूरत है। गोली मत चलाना। विजु, मम्मी। हैट्स ऑफ टू यू झांसी, मैंने तेरा कितना अपमान किया लेकिन तेरे पति के सेंटीमेंट ने मुझे बचा लिया। पति भगवान का रूप होता है, ये तूने साबित कर दिया झांसी। चेतन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। तेरे गंदे खून से मैं अपने बेटे के हाथ नहीं रंगना चाहती। मुझे मारो, मानता हूँ मैं कमीना हूँ, मैं कुत्ता हूँ मानता हूँ, लेकिन तू एक आईपीएस है, इस देश को तुझ पर गर्व है। मुझे बेटे नहीं बन सके, मेरे लिए अच्छे पति नहीं बन सके। अपनी आईएएस डिग्री को आईएसआई के हाथों बेच दिया और आज अपने बेटे की नजरों में अच्छे पिता नहीं बन सके। तेरे जैसे सफेद पोश मुजरिम को इस पवित्र धरती पे जीने का कोई हक नहीं है और अगर तू जिंदा रहा तो मेरे माथे का कलंक नहीं मिटेगा। तुम्हें पता होगा, देख, यू आर ग्रेट मैडम। नजरें जहां से